हेलो यार, ब्लड लाइन में जो भी चल रहा है ये खत्म कब होगा? सुनने में तो आया कि जल्दी खत्म होने वाला है, पर एक्चुअल में जो पूरी स्टोरी लाइन है ब्लड लाइन की, उसोस, रोमन रेंस, पॉल हेमन, सोलो सिकोवा, पूरा मतलब ये सिनेरियो खत्म कब जाके होगा? ऐसे आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। अरे हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, थ्रेड्स पे भी आ गया हूँ मैं, वहाँ पे भी फॉलो कर लेना जो लोग भी देख रहे हो, ठीक है? क्योंकि पर्सनली कनेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, चैट वगैरह तो मजा आता है। अब देखो यार, कितनी ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन अभी किस डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन के मन में नहीं होगा इस टाइम पे। भाई ब्लड लाइन का जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, ये चला ही जा रहा है, ये खत्म कब होगा जाके? मतलब ऐसा नहीं कि हम चाहते कि ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म ही हो जाए, बट फिर भी हमें कोई अंदाजा हो कि कहां तक ये जाएगी, कौन किसकी साइड रहेगा और एट द एंड कौन कौन बचेगा ब्लड लाइन में, कौन नया कोई जुड़ेगा या कुछ भी, कोई हिंट तो हो। मैं भी WWE फैन हूँ, आप मेरे दोस्त लोग हो, तुम मेरा दोस्त हो, तो भाई हम तो आपस में स्पेकुलेशन कर ही सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है यार। तो देखो, जब से रेसलमेनिया में रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की, उसके बाद से जब वो आए हैं, तब से उनका पूरा जो स्टोरी का आर्क है वो पूरा अपनी ब्लड लाइन के साथ ही चला हुआ है। बैकलैश तक तो वो थे ही नहीं, बट उसके बाद से जो भी चला है वो सारा ब्लड लाइन के साथ ही एंगल रहा है उनका, और अभी तक भी उन्होंने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं की है। हाँ, एक बार की थी लाइव इवेंट में, वो तो मैं काउंट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो तो हमने देखा ही नहीं ना कभी। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आंसर कर दिया कि भाई वो चैंपियनशिप कब डिफेंड करेंगे, और आपको ऑलरेडी पता लग ही गया स्मैकडाउन के एपिसोड पे देख ही लिया, कब के डिफेंड करेंगे, किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे वो भी हमें पता लग गया। रोमन रेंस वर्सेस जे उसो का मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप पे समर स्लैम में। तो सुनने में तो अभी आया था, शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुना हो अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव हो, तो कि समर स्लैम में ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी का एंड हो जाने वाला है। अब काफी सारे लोगों को मन में ये भी आ सकता है कि एंड हो जाने वाला है मतलब क्या, तो ब्लड लाइन के एंड का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे ब्लड लाइन के जितने भी मेंबर्स है वो सारे स्प्लिट हो गए, मतलब पूरी फैक्शन बिखर गई, तभी हुआ ना एंड। बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई एंड नहीं होने वाला है, ये बस एक पॉज होने वाला है, मतलब एक फुल स्टॉप नहीं होगा, ये बस एक कॉमा होगा। पता नहीं क्या क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पर मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा तो शायद ही होगा कि सोलो सिकोवा भी अलग हो गए रोमन रेंस से, जे ओसो और जिमी ओसो तो है ही अलग, और पॉल हेमन भी उसी दिन अलग हो गए रोमन रेंस से। ऐसा तो नहीं होने वाला क्योंकि सारे ब्लड लाइन के पार्ट है। हाँ, इतनी सी चीज जरूर होने वाली है कि यार जिमी ओसो को तो ऑलरेडी ठिकाने लगा दिए रोमन रेंस और सोलो सिकोवा ने, मतलब इतना एंगल दिखा दिया WWE ने अभी हमें कि भाई इतनी बीटिंग मिली है जिमी ओसो को कि उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाना पड़ा है, तो अब उनके अगेंस्ट बचा कौन? जे ओसो बचे अकेले, जो एक रिवेंज पे आ रहे हैं अपने भाई के लिए कि भाई कोई भाई अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और ना सिर्फ अब वो रिवेंज लेने आ रहे हैं रोमन रेंस से, बट उनकी चैंपियनशिप लेने भी आ रहे हैं। पर क्या वो ले पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। देखो, जे ओसो भी काफी लोगों की लिस्ट में थे जो कि वन ऑफ द सुपरस्टार्स बन सकते हैं, जो कि डीथ्रोन करे रोमन रेंस को इन फ्यूचर, पर मेरी लिस्ट में वो हमेशा से नहीं थे। मैं हमेशा से यही कह रहा हूं यार, आपको तो पता ही है यार, जे ओसो रोमन रेंस को तो नहीं हराएंगे, बट वो वजह जरूर बन सकते हैं रोमन रेंस की चैंपियनशिप हारने की, जो कि एक दिन डेफिनेटली होगा ही होगा। तो आपको इससे ये तो क्लियर हो गया होगा कि समर स्लैम में तो जे ओसो चैंपियन बनने नहीं वाले, रोमन रेंस वहां पे भी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे, जो कि मुझे पता आप में से काफी लोगों के लिए दुख की बात हो सकती है, बट यार क्या कर सकते हैं, जो है यही है। पर आप बात की गहराई को समझो ना सर, ये ब्लड लाइन का आर्क इतना टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि एकदम से खत्म नहीं हो सकता है। पॉज इसमें इस तरह लगेगा, जो कि मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, कि देखो हमें पता है अब जिमी ओसो को इंजर्ड कर दिया रोमन और सोलो ने, तो रिटर्न कब करेंगे, इतना तो मतलब हम WWE देखते हो समझ ही गए हैं। समर स्लैम में जब रोमन रेंस और जे ओसो का मैच चल रहा होगा तब जिमी ओसो वापस आएंगे, बट सोलो सिकोवा की हेल्प से रोमन और सोलो दोनों को ठिकाने लगा देंगे। तो अब जब रोमन रेंस वहां पे भी अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर लेंगे, तो अब हमेशा के लिए ब्लड लाइन के साथ ही तो ना लड़ते रहेंगे कि अभी जे ओसो के साथ लड़ लिया, अब अगले में जिमी ओसो के साथ लड़ेंगे, फिर सोलो सिकोवा टर्न कर लेंगे तो अगले में उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन यार इवेंचुअली हमें पता है ब्लड लाइन एक दिन कंप्लीटली ब्रेक भी होगी, और कंप्लीटली ब्रेक तभी होगी जब सोलो सिकोवा और पॉल हेमन भी, ये दोनों रोमन रेंस से अलग हो जाएंगे, और वो होने में अभी टाइम है, ठीक है? ओसो तो अलग हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी स्टोरी लाइन चल रही है, जब तक ये चैंपियनशिप मैच जो होने वाला है अब जे ओसो और रोमन रेंस का, ये हो नहीं जाता है। जब ये हो जाएगा तो ओसो अपनी सेपरेट वेज पे चले जाएंगे, टैग टीम चैंपियनशिप वगैरह के लिए लड़ेंगे, या फिर कोई भी और स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और रोमन रेंस फिर अपनी अलग स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही कि समर स्लैम के बाद WWE का नेक्स्ट इवेंट पेबैक होने वाला है, जहां पे 2020 में उसी इवेंट में रोमन रेंस ने अपनी टाइटल जीती थी, और तब से लेके अब तक वो चैंपियन है, ठीक है? और ज्यादातर स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि फिंड के साथ वो मैच रेसल करेंगे अपना, तो अगर वो ब्लड लाइन वाली पूरी चीज में इन्वॉल्व होंगे तो फिंड के साथ कहां ही रेसल करेंगे, और मैं तो चाहता हूं वहां पे फिंड के साथ वो रेसल करें। तो इतना तो है कि समर स्लैम के बाद उसोस भले सेपरेट हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगी दोनों पार्टीज की स्टोरी लाइन, बट पॉल हेमन और सोलो सिकोवा स्टिल रहेंगे रोमन रेंस के साथ, और फिर शायद इवेंचुअली रॉयल रंबल या रेसलमेनिया टाइम आते तक भी वो उनके साथ ही रहे। लेकिन जब रेसलमेनिया में, जैसा कि हमने सुना ही है और अभी भी रिसेंटली सामने आया थी रिपोर्ट, भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 40 के लिए लॉक कर चुकी है WWE, तो अगर प्लान्स में आगे चेंजेस नहीं होते, यानी यही मैच हमें देखने को मिलेगा फिर से, तो वहां फिर ऐसा हो सकता है कि कोडी के अगेंस्ट मैच में सोलो सिकोवा भी टर्न कर ले रोमन रेंस पे, और जैसे ही रोमन रेंस उस सारी सिचुएशन से बचने लगे और वो भी हेल्प करें वहां फिर कोडी रोड्स
लॉर्ड्स की रोमन रेंज को हरवाने में। तो इसी के साथ जो सुपरस्टार्स ऑफ ब्लडलाइन के वो तो सारे अलग हो जाएंगे, फिर बचेंगे पॉल हेमन। अब मैं से काफी लोग नोटिस कर रहे हो कि यार ब्रॉक लेसनर की टाइटल्स लेके वो आ रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस डायरेक्शन में जा रही है। इवेंचुअली वो भी छोड़ जाएंगे फिर रोमन रेंज को, और रोमन रेंज रह जाएंगे फिर अकेले बिल्कुल। और जब वो अकेले रहेंगे तो आएंगे थोड़ी, शायद एक अपीयरेंस कर दें, लेकिन फिर वो छुट्टी पे चले जाएंगे दूर, फिर आएंगे किसी बड़े इवेंट टाइम और रिटर्न करके, और जब वो रिटर्न करेंगे तब वो एज अ फेस सुपरस्टार वापस आएंगे। तो हाँ, अभी ऐसा मत समझना कि समर स्लैम में पूरी ब्लड लाइन ही खत्म हो जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फिलहाल। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही जल्दी ट्रिगर पुल नहीं करना चाहती, मेरे अकॉर्डिंग तो काफी लंबी चीज चलने वाली है अभी ये, एटलीस्ट रेसलमेनिया 40 तक तो चलेगी चलेगी। पर चलो ये तो फिर भी हमारी स्पेकुलेशन ही है, जरूरी थोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू को वही करना जो हम चाहते हैं। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू तो वो करती नहीं जो हम चाहते हैं, बाकी तो देख के पता चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी चीजें प्ले आउट कर सकती है ब्लड लाइन की आने वाले टाइम में। अपनी बताई, आप अपनी बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी अब समर स्लैम आने वाली है, कौन कौन से मैचेस होंगे उसमें वो जानना। तो ये रही वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।